हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी फ्री एग्जाम्स। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे एयरफोर्स ऑफिसर नोटिफिकेशन, जो कि हम लोग को पता है एफकेआर 2 ऑफ 20 जो है नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। तो इसके बारे में मेनली हम लोग, इसके एलिजिबिलिटी क्या है, कट ऑफ मार्क्स कितना गया है पुराना वाला, वैसे ही हम लोग वैकेंसी देखेंगे कितना है, वैसे प्रोसीजर, पूरा प्रोसीजर क्या होता है ये एफकेआर नोटिफिकेशन का, पूरा इस वीडियो में बात करेंगे। ओके सो फ्रेंड्स, पहले देखते हैं भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स के बारे में। एक मिनट में हम लोग समझते हैं, जैसे हमारा आर्मी है, नेवी है, इंडियन एयरफोर्स भी एक डिफेंस फोर्सेस में एक दल है। जैसे आर्मी हमें जो बॉर्डर में अटैक करता है तो कोई उसको काउंटर करता है, नेवी पानी से कोई अगर अटैक करता है तो काउंटर करता है, एयरफोर्स जहाज से जो हवाई में जो भी अगर कोई अटैक करता है तो उसको काउंटर करता है, ये इसका प्राइमरी रोल है। सेकेंडरी रोल क्या है, कभी हम लोग का नेचुरल कैलामिटीज हो जाता है, जैसे कि बाढ़ या भूकंप जब भी हो जाता है, उनको खाना पीना पहुंचाने में, वैसे दवाई या नहीं तो उनको कहीं लोग फंसे होते तो उनको सुरक्षित जगह में लेके आके छोड़ने का इसका सेकेंडरी रोल है। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें हम लोग देखेंगे नोटिफिकेशन में आते, तो इसमें मेनली ये नोटिफिकेशन 2 ऑफ 20 नोटिफिकेशन फ्लाइंग ब्रांच के लिए है और ग्राउंड ड्यूटी के लिए है। ग्राउंड ड्यूटी में फ्रेंड्स टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों ब्रांचेस के लिए है। तो एक एनसीसी स्पेशल एंट्री भी है, मेट्रोलॉजिकल एंट्री भी है। एनसीसी स्पेशल एंट्री और मेट्रोलॉजिकल एंट्री में आपका एग्जाम नहीं होगा, वो सीधा आपका इंटरव्यू प्लस मेडिकल होगा। ओके सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग ये एफकेआर 2 ऑफ 20 अगर एग्जाम रिटर्न क्लियर करने के बाद आप इंटरव्यू क्लियर करोगे तो आपको डायरेक्टली कोर्स जो है कमेंस कब से होगा, तो जुलाई 2021 में एफए हैदराबाद एकेडमी में आपका ट्रेनिंग शुरू हो जाएगा जुलाई से अगले साल 2021 में। तो फ्रेंड्स एप्लीकेशन देखेंगे तो हम लोग देखेंगे 15 जून 2020 से 14 जुलाई 2020 के बीच में आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। वेबसाइट्स क्या है, careerindianairforce.cdac.in, वैसे ही afcat.cdac.in में दोनों में वेबसाइट्स में आप अप्लाई कर सकते हो। एग्जाम डेट आता है फ्रेंड्स 19 सितंबर और 20 सितंबर 2020, सो ये दो डेट्स में फ्रेंड्स। तो हम लोग देखेंगे तो 15 जून से आपको अगर 19 सितंबर का प्रॉपर 3 महीने का टाइम है तो 3 महीने में आप रिटन एग्जाम के लिए आसान से आप प्रिपेयर हो सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो एयरफोर्स का जो नोटिफिकेशन है ये, इसमें आप ग्रुप ए गेजेटेड ऑफिसर बनेंगे, सीधा आपका जो सैलरी स्टार्टिंग सैलरी जो है 1 लाख के आसपास होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो और इसके वैकेंसी के बारे में बात करते हैं, तो एफकैट एंट्री जो कि आपको फ्लाइंग और ग्राउंड ड्यूटी का टेक्निकल नॉन टेक्निकल क्या है इसका वैकेंसी देखेंगे तो एसएससी मतलब फ्रेंड्स शॉर्ट सर्विस कमीशन 74 वैकेंसी से, वैसे ही एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में आपका परमानेंट कमीशन में 40 है, शॉर्ट सर्विस कमीशन में 26 है। एरोनॉटिकल मैकेनिकल ये जो दोनों है टेक्निकल ब्रांच का है जिसमें परमानेंट कमीशन 23 है, शॉर्ट सर्विस कमीशन 16 है। ओके सो ग्राउंड ड्यूटी में आप आओगे तो नॉन टेक्निकल में इसमें एडमिन ब्रांच है, एजुकेशनल ब्रांच है, इसमें 23+16 है, इसमें 8 और 8 है एजुकेशन ब्रांच में। ओके एनसीसी में फ्रेंड्स आपको पता है यूपीएससी सीडीएससी कंडक्ट कराता है, उसमें 10% जो एयरफोर्स का सीट होता है ये एनसीसी स्पेशल एंट्री का थ्रू आपको फ्लाइंग ब्रांच के लिए, वैसे शॉर्ट सर्विस कमीशन परमानेंट कमीशन के लिए भी 10% आपको अलग से वो वैकेंसी कट हो जाता है। ओके ग्राउंड ड्यूटी में मेट्रोलॉजिकल एंट्री में आपको परमानेंट कमीशन में 10 है, शॉर्ट सर्विस कमीशन में 12 है। ये है फ्रेंड्स आपका वैकेंसी कोर्स के हिसाब से आपका टोटल। ओके सो नेक्स्ट जो आपको आप सुन रहे हो टाइप ऑफ कमीशन में परमानेंट कमीशन शॉर्ट सर्विस कमीशन करके, इसके बारे में जानते हैं। परमानेंट कमीशन होता है फ्रेंड्स जो आपका सुपर एनुएशन एज तक करना पड़ता है, सुपर एनुएशन एज मतलब 57 ईयर्स तक आपको ये परमानेंट कमीशन के अंडर में आप आते हैं। ओके शॉर्ट सर्विस कमीशन फ्रेंड्स फ्लाइंग ब्रांच के लिए 14 ईयर्स का मतलब 14 साल का आपका ये, जब से आप कमीशन होते हो तब से आपका सर्विस करना है, ये नॉन एक्सटेंडेबल है। ग्राउंड ड्यूटी में आपका टोटल 4 ईयर और 10 ईयर्स का आपका इनिशियल एंगेजमेंट होगा, उस समय अगर आपको वैकेंसी ज्यादा हो और आप विलिंग हो, सुटेबिलिटी मेरिट आपका अच्छा है, तब आप 4 साल का और एक्सटेंशन ले सकता है। शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए मेन और वुमेन दोनों एलिजिबल है, परमानेंट कमीशन में ओनली मेन के लिए एलिजिबल है। क्लियर है फ्रेंड्स, सो नेक्स्ट एलिजिबिलिटी जो देखना है फ्रेंड्स, एलिजिबिलिटी में क्या है, आप पक्का एक इंडियन का सिटीजन होना चाहिए, उसके बाद एज जो है आपका 20 से 24 इयर्स के बीच में, ये डेट ऑफ बर्थ जो दिया है
2 जुलाई 1997 से 1 जुलाई 2001 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए फ्लाइंग ब्रांच के लिए। अगर आपका एज इससे ज्यादा है तो आप ग्राउंड ड्यूटी में एलिजिबल हो। 22-26 ईयर्स के बीच में आपका एज होना चाहिए। 2 जुलाई 1995 से 1 जुलाई 2001 तो आपका जो मैरिटल स्टेटस है, आप अगर 25 साल से अंदर हो तो आप पक्का अनमैरिड होना चाहिए, शादीशुदा नहीं होना चाहिए। अगर 25 ईयर्स अबो जो ग्राउंड ड्यूटी के लिए अप्लाई करते हैं 26 ईयर्स वाले, वो अगर शादीशुदा भी है तो चलेगा, ठीक है। इसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है फ्लाइंग ब्रांच के लिए, आपका पीसीएम जो 10th में इन 10+2 में 12th में जो है, आपको मैथ्स और फिजिक्स कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। 50% मार्क्स जो है आपको मैथ्स और फिजिक्स में इंडिविजुअली सब्जेक्ट में आना चाहिए। और उसके बाद ग्रेजुएशन में आपका 60% या बीटेक जो भी आप करते हो ग्रेजुएशन, उसमें 60% होना चाहिए फ्लाइंग ब्रांच के लिए। वही ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच के लिए इंजीनियरिंग और एरोनॉटिकल मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, दोनों के लिए फ्रेंड्स आपको पीसीएम में जो मैथ्स फिजिक्स है उसमें 50% होना चाहिए। सेम 60% जो आपको ग्रेजुएशन में होना चाहिए। ग्राउंड ड्यूटी में फ्रेंड्स कोई भी ग्रेजुएशन होना चाहिए, 10+2 पास होना चाहिए, ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स होना चाहिए। ये है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अप्लाई करते समय फ्रेंड्स आपका आधार कार्ड जो है मैंडेटरी है, इसका आधार कार्ड के बिना आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। इसमें ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुके हैं, ये जो करियर इंडियन एयरफोर्स डॉट सी डैक डॉट इन, वैसे ही एफकेट डॉट सी डैक डॉट इन, ये दोनों वेबसाइट्स है। एग्जामिनेशन फीस जो है 250 रुपीज, 250 रुपया आपको लगेगा ये एफकेट एंट्री के लिए। एनसीसी एंट्री और मेट्रोलॉजी एंट्री के लिए आप जस्ट अप्लाई करेंगे, इसमें आपको कोई फीस नहीं लगेगा। ओनली एफकेट एंट्री जो है उनके लिए फीस लगेगा 250 रुपीज, ठीक है फ्रेंड्स। फिर इसके बाद एग्जाम होगा 19 सितंबर और 20 सितंबर में, एक दिन में 2 शिफ्ट होगा। 2 शिफ्ट में टोटल 4 शिफ्ट होगा, तो 19 को 2 शिफ्ट, 20 को 2 शिफ्ट होगा, ठीक है फ्रेंड्स। सो जिसका ईकेटी एग्जाम है, ईकेटी मतलब इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट, जो भी इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट एलिजिबल है वो लोग ये फर्स्ट शिफ्ट में मैक्सिमम आने का चांसेस रहता है, जो भी होगा फर्स्ट शिफ्ट में आएगा, ओके। तो फिर उसके बाद सिलेबस देखेंगे फ्रेंड्स। सिलेबस में देखेंगे तो एफ कैट एंट्री वाले के लिए जो एफ कैट एग्जाम दे रहा है उसमें जनरल अवेयरनेस का होगा 25 मार्क्स का, वर्बल एबिलिटी जो इंग्लिश का होगा इसमें 25 मार्क्स का, न्यूमेरिकल एबिलिटी में आपका 18 मार्क्स का होगा 18, रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट में 32 क्वेश्चंस होगा। आपका टोटल मार्क्स जो टोटल क्वेश्चंस है 100 होगा, मार्क्स जो है 300 का हो जाएगा। एक क्वेश्चन का 3 मार्क है, नेगेटिव मार्क भी है उसमें, एक नेगेटिव मार्क होगा, ओके। सो ईकेटी में भी सेम फ्रेंड, जो भी आपका बीटेक में जो ब्रांच होगा, मैकेनिकल हो, कंप्यूटर साइंस हो या इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स, जो आपका जो आप कंसर्न ब्रांच का जो आपको अप्लाई करते वक्त जो चूज करते हो उसके ब्रांच से आपका 50 क्वेश्चंस आएगा, 45 मिनट्स टाइम होगा। और ये ऊपर एफकैट में देखेंगे तो फ्रेंड्स 100 क्वेश्चन का 2 घंटे है, 2 घंटे मतलब 120 मिनट है, मतलब 1 मिनट से भी ज्यादा कोई भी एग्जाम में, ग्रुप ए एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलेगा फ्रेंड्स। तो मैं बताता हूँ ये बहुत आसान सी एग्जाम है, ठीक है। फिर इसके बाद ईकेटी में आपका 150 मार्क्स का होगा एक क्वेश्चन का आपका, फिर 3 मार्क्स होगा सेम नेगेटिव मार्किंग होगा एक, ओके क्लियर फ्रेंड्स। सिलेबस का आपको समझ में आया, इसका और डिटेल में हम सिलेबस को डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। आपको अगर उसमें आप वीडियो चाहते हो तो प्लीज कमेंट करिए, ओके। फिर उसके बाद आप लास्ट ईयर्स का, आप प्रीवियस ईयर्स का जितना भी कट ऑफ देखेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर टोटल, यहाँ कहीं पे भी देखेगा तो मैक्सिमम जो है 160 है। तो फ्रेंड्स 160 मतलब आपका टोटल कितना क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है, तो 100 में एक क्वेश्चन का 3 मार्क है, तो 60 क्वेश्चन करोगे तो भी तब भी आपका 180 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको पास होना यहाँ कोई मैन नहीं करता है, पास होना नहीं है, आपका टारगेट जो होना चाहिए 200+ का आपका टारगेट होगा तो ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट जब आएगा तब आप इजिली क्लियर कर सकते हो। ईकेटी में फ्रेंड्स आप आसान से कर सकते हो, जो भी आपका नॉलेज होगा जो आपका इंजीनियरिंग ब्रांच में, तो टोटल 50 क्वेश्चन में आप आधा क्वेश्चन भी करोगे तो 25 क्वेश्चन में 25 3 आपको 75 आ जाएगा। कट ऑफ देखिए 60 से ज्यादा कभी नहीं गया, तो 25 क्वेश्चन से भी कम कर सकते हो। सो फ्रेंड्स नेगेटिव का आप कभी टच मत करिएगा, ओके। सो लोकेशन फ्रेंड्स ये एग्जाम सेंटर से आपको जो भी नजदीक है ऑल ओवर इंडिया में हर जगह पर है ये, ठीक है फ्रेंड्स। सो ये आपका सारे जो आपका एग्जाम सेंटर से, जो भी आपका नजदीक से एग्जाम सेंटर होगा तो आप उसमें अप्लाई करते वक्त देखिए आराम से 4 या 5 आपका एग्जाम सेंटर चूज करना होता है,
तो जब आपका हो जाएगा तो मैं उसके लिए भी एक वीडियो बनाऊंगा कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो फ्रेंड्स। ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, कोई भी डाउट है तो कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, जय हिंद।